राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी पितरों को प्रसन्न करने के अचूक उपाय। पितृ पक्ष में पितरों का तर्पण किया जाता है ताकि वे अपने कुल पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। पितरों की मृत्यु की तिथि के अनुसार पितृ पक्ष में तर्पण करने और दान पुण्य का विधान होता है। हिंदू धर्म में पितृ पक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि जिस तरह से देवता पूजे जाते हैं वैसे ही इस खास पक्ष में पूर्वजों की पूजा होती है। यदि पूर्वज नाराज होते हैं तो मनुष्य को बहुत से कष्ट उठाने पड़ते हैं। कई लोगों की कुंडली में पितृ दोष भी होता है। यदि वे पितृ पक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के कुछ उपाय कर लें तो उनका ये दोष खत्म हो सकता है। तो आइए जानें कि पितृ पक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। पितृ पक्ष के पहले दिन से ही प्रतिदिन आप पितरों को जल अर्पित करें। इस जल में जौ और काले तिल के साथ एक लाल फूल भी डालें। यह जल दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दोपहर के समय देना चाहिए। इससे न केवल पितृ प्रसन्न होते हैं बल्कि इससे पितृ दोष भी दूर होता है। पितृ पक्ष में जब भी आपके पितरों की मृत्यु तिथि हो उस दिन ब्राह्मण गाय, कुत्ता, कौवा और चींटियों को भी भोजन जरूर कराएं। साथ ही गरीबों को अन्न, धन और जरूरत की चीजें दान करें। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि ये दान की चीजें सीधे पितरों को मिलती हैं। पितृपक्ष के पहले दिन से आखिरी दिन तक प्रतिदिन पितरों के नाम से श्रीमद् भागवत गीता और गरुड़ पुराण का पाठ खुद करें या ब्राह्मण से कराएं। इससे पितरों को शांति मिलती है और वे अपना आशीर्वाद देते हैं। यदि आपको अपने पितरों की मृत्यु तिथि का पता ना हो तो आप सर्व पितृ अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध कर्म करें। इस दिन किया गया तर्पण आपको पितृ दोष से मुक्त करेगा। यदि आपकी कुंडली में पितृ दोष हो तो आपको हर अमावस्या के दिन पितरों को तिल, जौ और लाल पुष्प के साथ जल देना चाहिए। साथ ही ब्राह्मण या गरीब जन को दान पुण्य करना चाहिए। पितृ पक्ष में कौवों और चींटियों को रोज खाना डालें। माना जाता है कि पितृ पक्ष में हमारे पूर्वज कौवों के रूप में धरती पर आते हैं। प्रत्येक अमावस्या पर एक नारियल तोड़ें और इसका एक हिस्सा अपने पितरों के नाम पर निकाल कर उस पर मिठाई रखें और एक उपले पर रख कर उसे कपूर के साथ जला दें। ये पितृ दोष का सबसे कारगर उपाय है। पितृ पक्ष में यथासंभव गरीबों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे धार्मिक कार्यों से पितरों को भी शांति मिलती है। तो दोस्तों, ये थी पितरों को प्रसन्न करने की अचूक उपाय। आशा है आपको इससे बहुत मदद मिली होगी। तो मिलते हैं अगली ब्लॉग में ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए। राधे राधे।